द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलवेज। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। देश को मिल गई है पहली अंडर वाटर मेट्रो। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में पानी के अंदर चलने वाली देश की पहली मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। हुगली नदी के नीचे से देश की पहली ट्रांसपोर्ट टनल है। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर तक नीचे है। ये सुरंग ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का एक हिस्सा है। इस मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 4,956 करोड़ रुपए की लागत से बने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का उद्घाटन भी किया। इस सेक्शन पर बना हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई में स्थित स्टेशन है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल के छात्रों के साथ एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान तक मेट्रो की यात्रा की। बच्चों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के दौरान जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी लंबी बातचीत की। इस दौरान बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी भी ट्रेन में मौजूद थे। पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर ये भी है कि संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का मामला गर्माता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संदेश खाली मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। करीब 2 महीने फरार रहने के बाद शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। शाहजहां शेख की अवैध संपत्तियों की जांच करने गई ईडी की टीम पर हमला किया गया था। ईडी ने कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच कराने को कहा था, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि इस मामले की जांच राज्य की पुलिस ही करे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी मान ली थी और सीबीआई से इस मामले की जांच कराने को कहा था, लेकिन जब सीबीआई की टीम शाहजहां शेख के कब्जे में लेने पहुंची तो राज्य की सीआईडी ने इनकार कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीबीआई की एक टीम मंगलवार को शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय गई थी। सीबीआई की टीम ने 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन शाम 7:30 बजे सीबीआई टीम शाहजहां शेख के बिना ही सीआईडी मुख्यालय से निकल गई। सीआईडी ने दलील दी है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, इसलिए सीबीआई को कस्टडी नहीं दी गई। अब सबकी निगाहें इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। संदेश खाली के पास बारासात में आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, जिसमें संदेश खाली की तमाम महिलाएं शामिल हुई। संदेश खाली से बारासात तक पैदल पहुंची महिलाओं ने जबरदस्त जोश दिखाया। महिलाओं का कहना था कि वो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से डरती नहीं है। बीजेपी के बैनर तले महिलाओं ने बड़ा मोर्चा निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हुई। मुख्यमंत्री जो महिलाएं है वो खुद अत्याचार पे तुली हुई है इस सरकार के साथ में, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। इसीलिए सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक हम लोग भी लगा रहे हैं उनके पास कि हम लोगों को न्याय मिले। एक गुहार है हमारी कि उनको उनके पास कि हमको न्याय मिले। उन्हीं के वोटर है, अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग टीएमसी के वोटर हैं, हम लोग टीएमसी को वोट देके यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जिता के लाए हैं। और आज उनकी ये हालत है, जो उनको लाए हैं, जो बंगाल में सरकार लाए हैं, उन्हीं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बारासात की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को संबोधित किया और ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, संदेश खाली और बंगाल की महिलाओं के गुस्से से ममता बनर्जी सरकार कांप रही है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता
जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है कांग्रेस। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया है। इसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस पैनल ने इसे तैयार कर लिया है। घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई में बना है। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही जारी करने वाले हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं और बेरोजगार लोगों के लिए 10 चुनावी वादों की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी का वादा कर सकती है। इसके अलावा देश भर में जाति जनगणना कराने का वादा किया जा सकता है। कांग्रेस इस चुनाव में युवाओं और किसानों पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी लगातार नौकरियों और किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं और किसानों की भीड़ उमड़ रही है। 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, तो दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 6 मार्च से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई किसान संगठन दिल्ली पहुंचने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी से लगे बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच झड़पें हुई थी, जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। किसान संगठनों का दावा है कि मध्य प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत से भी सड़क या ट्रेन के जरिए किसान दिल्ली पहुंचेंगे। इस लिहाज से 10 मार्च तक किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। सरकार किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में नहीं जुटने देना चाहती है। इसके लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।